हल्द्वानी में नगर निगम, जिला प्रशासन और आरटीओ सहित पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से शहर में सड़कों के किनारे अनियोजित रूप से पार्किंग किए जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए नैनीताल रोड का सर्वे करते हुए ताबड़तोड़ चालान भी किए। इस दौरान शहर में नैनीताल रोड के किनारे और ठंडी सड़क पर पार्किंग की नई जगह तलाशते हुए अवैध पार्किंग करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी और मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा सहित आरटीओ रश्मि भट्ट ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और कहा कि भविष्य में भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। ये बेसिकली इसका मेन पर्पस ये है कि जो गाड़ियाँ इधर उधर वैसे ही खड़ी हो जाती हैं और ट्रैफिक के मूवमेंट को डिस्टर्ब करती हैं, तो वो चीज़ ना हो। इसीलिए जैसा कि डीएम मैडम का भी निर्देश है कि रोड जो है वो चलती हुई गाड़ियों के लिए और जो गाड़ियाँ मूवमेंट में है उनके लिए है, तो जो लंबे समय से गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं विदाउट पार्किंग, जहाँ पार्किंग ना होते हुए भी, तो उन गाड़ियों को हटाना और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। फूड वैंस में काफ़ी कार्रवाई होती है, अगर वो हमारे यहाँ एज अ फूड वैन नहीं रजिस्टर्ड हैं तो उन पे जो कार्रवाई की जाती है, जो पेपर्स कंपलसरी हैं वो ना होने पे की जाती है और सीज भी होती हैं, तो काफ़ी फूड वैन सीज की गई हैं जिसके बाद कि इन्होंने फिर उनको एज अ फूड कैंटीन, मोबाइल फूड कैंटीन रजिस्टर किया। हल्द्वानी शहर के अंतर्गत कई बार ऐसा देखा जाता है कि ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती है, ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम रहती है। तो आज सिटी मजिस्ट्रेट, नगर आयुक्त, मैं और हमारी आरटीओ मैडम, तीनों के द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाया गया, जहां पर हम लोग ये भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कहां पर और पार्किंग बनाई जा सकती है। और इसी दौरान यदि कोई पार्किंग में नहीं जा गाड़ी खड़ी है या किसी तरीके के द्वारा ट्रैफिक रूल्स का वॉयलेशन किया जा रहा है, तो उसमें ट्रैफिक पुलिस भी हमारे साथ में है, आरटीओ मैडम है, तो वो लोग चालान भी कर रहे हैं और हम लोग एक्सप्लोर भी कर रहे हैं कि हम कहाँ पर और पार्किंग की जगह यदि कोई मिलती है तो उसको यूज़ कर सकते हैं ताकि ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा सके। पूरे शहर में हम लोग चौराहे चौड़ीकरण और रोड चौड़ीकरण का काम भी कर रहे हैं। साथ में ये देखा गया है कि कई स्थानों पर निर्धारित जो पट्टी है उसके बाहर भी वाहन पार्क हो रहे हैं, तो विशेषकर जो नैनीताल रोड है, ठंडी सड़क है, इस पर अभी परिवहन विभाग और जो हमारा पुलिस विभाग है उसके साथ नगर निगम के साथ ये अभी अभियान चलाया जा रहा है। इसमें अभी चालानी कार्रवाई भी की जा रही है और देख रहे हैं कि आगे क्या ऑल्टरनेट प्लेसेज हो सकते हैं जहां पर पार्किंग विकसित की जा सके।